अब होगी इंसाफ की बात, हर जुर्म का होगा पर्दाफाश, जनता की समस्याओं पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए आप देखते रहिए इंसाफ की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की बात, मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। खुले में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद में रहने वाला साइबर सिटी गुरुग्राम एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है। इस बार एक मस्जिद के बाहर गाड़ी पर आए कुछ युवकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। मस्जिद के पास रहने वाले लोगों का आरोप है कि देर रात को हुई वारदात के दौरान गाड़ी सवार युवकों ने गाली गलौज की और जय श्री राम के नारे लगाए। सुनिए इस मामले को लेकर शिकायतकर्ता नफीम का क्या कहना है। जी, मेरा नाम नफीस है। जी, रात हम सो रहे थे, लगभग 2 बजे का टाइम था, तो यहाँ पे जो है सोते समय एक आवाज़ आई बहुत तेज़ी के साथ। उस आवाज़ में जो है जय श्री राम के नारे हैं और मुल्ला काटे जाएंगे, इस तरीके के अल्फाज बोले गए थे। तो उसकी वजह से हमारी आँख खुली तो हमने देखा कि एक गाड़ी थी, उस गाड़ी में कुछ लोग थे जो मस्जिद के गेट के सामने भी रुके थे। हमें जानकारी नहीं हो पाई क्योंकि हम उसमें देख नहीं पाए कितने लोग थे, गाड़ी काफ़ी भरी हुई थी, उसमें जितने आ सकते हैं 4-5 लोग होंगे। गाड़ी से नीचे कोई नहीं उतरा, लेकिन गाड़ी के शीशे उतारे गए थे, गाड़ी के शीशे उतार के ये नारे लगाए गए थे मस्जिद के सामने खासकर। बता दें, साइबर सिटी गुरुग्राम के शीतला कॉलोनी के ई ब्लॉक में एक मस्जिद बनी हुई है। बताया जा रहा है कि देर रात को एक गाड़ी में सवार होकर कुछ युवक आए और इस मस्जिद के बाहर रुके। इस दौरान उन्होंने पहले गाली गलौज की और बाद में जय श्री राम के नारे लगाते हुए विशेष समुदाय के लोगों के लिए आपत्तिजनक बातें कही। जब लोगों ने शोर सुना तो वो घर से बाहर निकल आए, जिसके बाद युवक अपनी गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गए। वहीं सत्येंद्र कुमार ACP ओल्ड गुड़गांव का इस मामले में लेकर क्या कहना है, सुनिए। ऐसा है कि गाड़ी आई है, उसके नंबर आ गए हैं CCTV में। उस गाड़ी में ये बता रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगाए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्या मैटर क्या नहीं। गाड़ी नंबर आ गया, कोई ऐसी बात नहीं, किसी ने भी कोई इस प्रकार की रिकॉर्डिंग नहीं है, सिर्फ ये अपना व्याख्यान कर रहे हैं। नीचे कोई उतरा भी नहीं है, कोई नीचे नहीं उतरा, गाड़ी नंबर है, हो सकता कोई आस पड़ोस का इनका हो। आपको बता दें कि गुरुग्राम शहर का ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके की हरकत देखी गई हो, बल्कि इससे पहले या फिर कहे कि कई सालों से नमाज के विवाद का मुद्दा गुरुग्राम शहर में गरमाया हुआ है। फिलहाल देखने वाली बात जरूर होगी कि गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ रुख इख्तियार करती है। गुरुग्राम से इंसाफ की बात के लिए हिमांशु नायर।